हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम प्रियांशु गरैया है और आज हम लोग करने वाले हैं ट्रेलर पे चर्चा। नहीं, आज हम एक मूवी के फर्स्ट लुक पे चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट कुछ टाइम से देखा जाए तो लास्ट का कुछ वक्त हमारे बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमने बहुत ही बेहतरीन और बड़े बड़े कलाकार खो दिए हैं और ना ही हमारे बॉलीवुड में कुछ ऐसी मूवी आई है जिसे देखकर हम कहें वाह क्या मूवी है, जिसका कंटेंट अच्छा हो, जिसका एक्टर अच्छा हो, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिसका डायरेक्शन अच्छा हो, जो बड़े बड़े सेट्स हो और बहुत ही बेहतरीन मूवी हो जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। बट अच्छे दिन आ गए, बहारों ने फूल बरसा दिए, दिन सानी सानी हो गया, दिल पानी पानी हो गया। पानी पर ये कौन बोलता है? मेरे और आपके फेवरेट अमरेंद्र बाहुबली यानी प्रवास ने बाहुबली के बाद एक नॉट सो गुड मूवी दी साहू। बट सबर करो, कल उन्होंने एक मूवी की अनाउंसमेंट की उसके फर्स्ट लुक के साथ, जिसको डायरेक्ट ओम रावत करेंगे और उसको प्रोड्यूस करेगी टी सीरीज और जिस मूवी का नाम होगा आदि पुरुष। मूवी की कहानी है ये। कहने का मतलब ये है कि मूवी की कहानी हमारे भगवान श्री राम की कहानी पे आधारित होगी, मतलब जी हाँ रामायण पे आधारित होगी। मतलब एक बेहतरीन कहानी, एक बेहतरीन एक्टर जो बाहुबली जैसी मूवी कर चुके हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाहुबली का जो कैरेक्टर था वो थोड़ा बहुत राम भगवान से इंस्पायर था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे से ही करेंगे। और साथ ही साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर जो तानाजी जैसी एक बेहतरीन मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं, तो इससे अच्छा और क्या ही कॉम्बिनेशन चाहिए एक बेहतरीन और बड़ी मूवी के लिए। मैंने तो ये भी सुना है कि इस मूवी का बजट अभी तक की बनी हुई सारी मूवियों में सबसे ज्यादा होगा। तो ये मूवी बनना चालू होगी 2021 जब आधे निकल चुकी होगी और 2022 में आ जाएगी बड़े पर्दे पर सिनेमा में। तो उम्मीद करते हैं ये मूवी बहुत ही बेहतरीन होगी और हमें मजा आएगा और सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और बाकी आप लोगों को हमारी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब जरूर ही कर दो क्योंकि इससे मोटिवेशन आता है। हम बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं और अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो सब्सक्राइब कर दो तो मोटिवेटेड रहेंगे हम, सीधी सी बात यह है। और बेल आइकन को भी दबा देना क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो बस दबा देना, आपको पता चलता रहेगा कि हमारी वीडियोस आ रही हैं। तो जब तक के लिए टाटा।